नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अज्ञात और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चुरहट। सीधी जिले की चुरहट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर बाईपास के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शरदेन्दु तिवारी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही काफी जन समूह भारी मात्रा में उपस्थित था, जिसमें कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत अमरपुर के प्रतिष्ठित समाज सेवी कृपा निधान पांडे, नीरज पांडे सहित दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही तिवारी जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित जनहित ऐसी योजनाओं को 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। पैसा होत है 5,000 रुपया संबल माँ गरीब के घरे से कोहू चला गा तो मैयत में मिला, और मुखिया कोहू चला गा भगवान न करे केहू के घरे से तो घरे के व्यवस्था चलावे खातिर 2,00,000 और 4,00,000 रुपया मिलत रहा संबल के योजना चलत रही। तो पहल काम यह कहीं के वो संबल के योजना बंद कर दी, कहीं नोम से खजाना में खर्चा होते खजाना बचावे। फिर दूसर करें कि जौन बिटियन के शादी गरीब बिटिया के होत रही है 28,000 रुपया उस समय शिवराज जी देते रहे, तो कमलनाथ जी कहीं तो जब चुनाव लड़े आए रहे कांग्रेस वाले 2018 में तो कहीं तक हम 51,000 रुपया दे, तो 51,000 तो करी नहीं वो योजना वो बंद कर दी। एक उठे बिटिया के शादी जब कमलनाथ के सरकार रही तो यह पूरे रामपुर नैकिन ब्लॉक में या पूरे सीधी जिला में यदि भय हो तो अपना पंचे बता दे, कौनो गरीब कन्या के विवाह वो दौरान में भय हो तो बता दे, वो बंद हो गए। अबे जरूर जब से शिवराज जी आए हैं तो 55,000 मिले लाग, 49,000 के बिटिया का चेक मिलत, 6,000 रुपया और बाकी व्यवस्था का मिल जात, तो गरीबों के बिटिया के शादी हो जाए एकर जो उनका पहले कहे रहे वह बंद कर दी। फिर जो बिटियन का लड़कन का साइकिल मिलत रही, साइकिल खीते जो पैसा खाता में जात रहा 2019 में कौनो अभिभावक के खाता में पैसा गहो तो बता दे, ऐसे वो खजाना भरत रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तनख्वाह मोदी जी बढ़ाए, कमलनाथ जी 1,500 रुपया कम कह दी, उसे वो खजाना भरते। ये उपाय निकाले रहे खजाना भरे के, जननी के गाड़ी जो चलत रही ओखर संख्या कम कह दी, यह उपाय रहा उनकर। जितनी योजना है उस सब योजनन का जन्म के पहले से लेके मृत्यु के बाद तक के सब योजनन का बंद करे के काम करे। अब अंत हद तो तब कह दिन कि जब प्रधानमंत्री आवास जो उन गरीब के पक्का मकान दे वाला आवास है वह आवास के 8,00,000 आवास मोदी जी भेजिन और 2,34,000 आवास वापस किन रिकॉर्ड में वापस की, ऐसे के 60% पैसा केंद्र सरकार देती 40% पैसा राज्य सरकार दे थी, तो कहीं के हमारे लगे गरीब के आवास का हम पैसा न दे पाऊ, हमका खजाना हो पा रही। मेरे साथ में चुरहट क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी हैं, ग्राम पंचायत अमरपुर चौराहे में हैं, जैसा कि अभी और अग्रिम आप क्या कार्य योजना है बताइए, अग्रिम आप कार्य रेडी। मेरे साथ चुरहट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी हैं, जैसा कि अभी इन्होंने आम पब्लिक को बताया यहाँ पे बहुत सारा जन समूह एकत्रित है और आगामी सरकार की कार्य योजनाएँ क्या है आपकी और क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी। और देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण में लगी हुई है, गरीब कल्याण ही हमारी प्राथमिकता है। हम मध्य प्रदेश में लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में सरकार के काम को आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में लोगों की दशा और दिशा बदलने का काम हुआ है। आज सभी के पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, आज शिक्षा की हम उत्तम व्यवस्था दे पा रहे हैं, सड़क की हालत स्थितियाँ आपने देखी ही हैं कि सड़क में आधारभूत परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे नए कॉलेज खुलने का काम हुआ है। चुरहट विधानसभा में भी हम ITI कॉलेज लेके आए हैं, खट्टी में कॉलेज लेके आए हैं, PG कोर्सेज हमारे यहाँ रामपुर में शुरू हुए हैं, चुरहट के कॉलेज में BSc और BCom के कोर्सेज शुरू हुए हैं, CM राइज स्कूल आई है, सिविल अस्पताल आ रही है, चुरहट की हमारी बहुप्रतीक्षित सड़क है वो भी बन गई है। लगातार विकास की तरफ बढ़ता हुआ चुरहट और स्वर्णिम मध्य प्रदेश, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुरहट से खबर समय जगत के लिए अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.